अब हम योग निद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने आसन पर लेट जाइए, अगर आप आसन पर हैं, नहीं तो आप अपने बेड पर भी लेट सकते हैं। खाने के कम से कम 3 घंटे बाद आप ये अभ्यास शुरू कर सकते हैं। चलिए, ढीले कपड़े हों आपके, टाइट ना हो, प्रसन्नता के भाव से लेटे रहें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप रहेगा। पंजे बाहर की तरफ लेटे रहेंगे, हथेलियां आसमान की तरफ, हाथों में 0.5 से 1 फीट का गैप रहे। अभी आप अपनी बॉडी को एडजस्ट कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। एक बार एडजस्ट कर लिया उसके बाद बिल्कुल नहीं हिलाना है, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे। मन ही मन संकल्प करेंगे, मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ, सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगी नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। थोड़ी देर योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, मन ही मन संकल्प करेंगे मैं सोऊंगा नहीं, सोऊंगी नहीं। बाकी हम मैं स्वस्थ हूँ, आनंदमय हूँ। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी श्वास के साथ पेट फूलेगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर इसका अभ्यास रखेंगे। सांस भरते हुए पेट फूलेगा, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान रखिए, अपनी सांसों के प्रति सजग रहिए। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों को जितना लंबा और गहरा ले सकते हैं उतना ही अच्छा है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। लंबा गहरा श्वास, प्रश्वास। सांस भरते हुए महसूस करेंगे सांस आपके पैरों के पंजों तक जा रही है, सांस छोड़ते हुए पूरा एक्सहेल करते हुए महसूस करेंगे जो भी आपको तनाव है, दुख है शरीर में, जो भी परेशानी है वो सब निकल रही है। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। दाएं पैर पर आ जाएंगे, दाहिने पैर पर, दाएं पैर का अंगूठा। अब जिस हिस्से का नाम लूंगा उस हिस्से को ढीला छोड़ते रहेंगे, याद नहीं करेंगे दोबारा। दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पैर का तलवा, ऊपर का भाग, एड़ी, काफ मसल्स, शिन, घुटना, घुटने के पीछे वाला भाग, थाई, हिप, उपस्थ। बाएं पैर पर आ जाएंगे, दाएं पैर को ढीला छोड़ दीजिए, बाएं पैर पर आ जाएंगे। बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पैर का पंजा, तलवा, ऊपर का भाग, एड़ी, काफ मसल्स, शिन, घुटना, घुटने के पीछे वाला भाग, थाई, हिप, उपस्थ। बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पैर, हिप और उपस्थ बिल्कुल रिलैक्स। नाभि के नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। अब हम बाएं हाथ पर आएंगे, बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली,
दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजा, हथेली, हथेली के पीछे वाला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से बाजू और पूरा कंधों तक, बायां हाथ बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पैर और बायां हाथ बिल्कुल रिलैक्स। दाएं हाथ पर आ जाएंगे, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजा, हथेली, हथेली के पीछे वाला भाग, कलाई, कलाई से कोहनी तक, कोहनी से बाजू, कंधा बिल्कुल रिलैक्स, दोनों पैर, दोनों हाथ बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे बिल्कुल। नाभि पर आ जाएंगे, नाभि, पेट, छाती, कमर, पीठ, पूरा स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन, सर के पीछे वाला भाग जहां हम चोटी रखते हैं, माथा, लेफ्ट आईब्रो, राइट आईब्रो, बाई पलक, दाई पलक, बाई आंख, दाई आंख, लेफ्ट नोस्टिल, राइट नोस्टिल, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, चिन, बायां गाल, दाहिना गाल, बायां कान, दायां कान, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स। अपनी सांसों के प्रति सजग रहिए, मन ही मन संकल्प करेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, आनंदमय हूँ, सच्चिदानंद रूप। अपनी सांसों के प्रति सजग रहिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, लंबी गहरी सांस भरते छोड़ते रहेंगे। अब सांसों की गति सामान्य हो जाएगी, सांस लेने में और छोड़ने में ताकत नहीं लगाएंगे, अपने आप सांस आएगी और जाएगी, बिल्कुल रिलैक्स। अपने शरीर को स्कैन करेंगे एक बार आगे की तरफ से, पैरों से लेके सर तक, एक एक हिस्से को देखेंगे, एक बार पीछे की तरफ से, पैर की एड़ी से लेके जहां तक हम चोटी रखते हैं, एक बार बाई तरफ, एक बार दाई तरफ, बिल्कुल रिलैक्स। सोना नहीं है, अपनी सांसों के प्रति सजग रहिए, सांसों के प्रति सजग रहिए, सांस आ रही है और जा रही है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए धीरे से पेट खुलेगा, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, धीरे से सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अगर आप बेड में हैं तो सो भी सकते हैं, जगना है तो बाई करवट बदल लेंगे, धीरे से बाई करवट, धीरे से बाई करवट बदलिए। विष्णु मुद्रा में लेट जाएंगे, बाएं हाथ का तकिया बना लेंगे, सोना नहीं है, बाई करवट बदल लीजिए, बाई करवट बदल लेंगे।
योगासन अगर आप रोज करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलता है। आप सोते समय भी कर सकते हैं, जब भी आप अभ्यास करते हैं उसके बाद बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको डीप टिश्यू रिलैक्सेशन भी बोलते हैं। आज विज्ञान भी इसके लाभ को बता रहा है, अभी एम्स में रिसर्च हुआ है, आप सुन सकते हैं, मैं ऑडियो भेज दूंगा आपको। सभी तरह की बीमारियां योग निद्रा से समाप्त हो जाती हैं। किसी को शुगर है, थायराइड है, डिप्रेशन है, तनाव है, नींद नहीं आती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, डाइजेशन में इशू है, हाथ पैरों में दर्द है, बीपी है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन सभी में आराम मिल जाता है। धीरे 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 से घूमते हुए बैठ जाएंगे अपनी जगह, थोड़ी देर शांति से बैठे रहेंगे। एक शांति का अनुभव करते हुए थोड़ी देर बैठे रहेंगे। एक एक हिस्से में रक्त का संचार हो चुका है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो चुका है, एक एक हिस्से में पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। ओहो ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए मन ही मन अपने इष्टदेव भगवान, अपने गुरु, अपने आराध्य, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद करेंगे आज के अभ्यास के लिए, आज के समय के लिए। बाकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप स्वस्थ रहें, यही भगवान और गुरु के चरणों में प्रार्थना है। दोनों हाथों को रख करते हुए मलिए रगड़िए गर्म कीजिए, संपूर्ण जगत की संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में धारण करते हुए रव्योपान। सबसे पहले मन, मस्तिष्क, चेहरे, छाती, पेट, दोनों हाथ, कमर, पैर और धरती माँ का स्पर्श करते हुए नतमस्तक हो जाएंगे, वंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। आज का अभ्यास पूर्ण करते हैं। हरिओम तत्सत। आपका दिन शुभ हो।